नमस्कार विद्यार्थी, आज हम कक्षा 7 का समन्वय विषय का अध्याय नंबर 6 चंद्रादामन राजस्थान के प्रमुख शासक, इसको जो अगला भाग है इसको पढ़ेंगे। इसमें अपन ने पहले कई सारे शासकों की चर्चा कर ली थी, जिनमें अपन ने महाराणा कुंभा है, महाराणा प्रताप है। इसी के चलते अब अपन आगे महाराणा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह की बात करेंगे, जिनका जो शासनकाल का जो समय था राजस्थान में 1638 से 1678 के बीच में इनका शासनकाल रहा। इनका जन्म दिसंबर 1926 ईस्वी को बहरानपुर में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे गज सिंह थे, वे इनके पिता थे, और इनके पिता की मृत्यु के पश्चात इनको वहां का शासक नियुक्त किया गया। और ये मुगल काल के जो दो शासक थे, शाहजहां और औरंगजेब, इनके ये समकालीन थे। शुरुआत में जब मुगल उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ, उस समय ये शाहजहां का इन्होंने साथ दिया था। इनकी सेना की ओर से वो युद्ध कर रहे थे और शाहजहां के द्वारा ही इन्हें महाराजा की उपाधि दी गई थी। बाद में ये आमेर के जो जय सिंह है, उनके कहने पर जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध था, उनमें जो दोराई का युद्ध था, उसमें इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। ये दल बदलू थे एक तरह से। फिर औरंगजेब ने इन्हें दक्षिण भारत में कई सारे अभियानों पर, औरंगजेब के निर्देशानुसार ये कई क्षेत्रों पर अभियानों पर भी गए, और दक्षिण भारत का जो औरंगाबाद जो क्षेत्र है उसके निकट इन्होंने एक कस्बा का बसाया था, जिसका नाम है जसवंतपुरा। और ये साहित्य के भी प्रेमी थे, अच्छे साहित्यकार थे, इसीलिए इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की, जिनमें आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण, और साथ ही साथ प्रबोध चंद्रोदय, ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे। अब अपन इसके साथ ही अगला जो शासक है राजस्थान में, उनकी अपन बात करेंगे, जो मेवाड़ के शासक रहे हैं महाराजा राज सिंह प्रथम। इनका शासनकाल 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी के बीच में इनका शासन रहा। इनके पिता का नाम महाराणा जगत सिंह था। ये भी उस समय जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, उस समय इन्होंने भी उसमें भाग लिया। ये शुरुआत में औरंगजेब का इन्होंने साथ दिया। बाद में जो औरंगजेब की जो नीतियां थी, उसके कारण इन्होंने बाद में इसका विरोध भी शुरू कर दिया, और राज सिंह ने इनका विरोध भी किया। और इसी के विरोध के चलते इन्होंने जो ब्रज से श्रीनाथ जी की जो मूर्ति, जो गोस्वामी भक्तों के द्वारा लेके आए गए थी, उसको इन्होंने अपने यहां शरण भी दी, और साथ ही साथ इन्होंने सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति को कांकरोली में राजसमंद में इन्होंने स्थापित किया, उनके मंदिर बनवाए। इनके अलावा ये स्थापत्य कला के भी अच्छे जानकार थे, अच्छे प्रवीण थे, इसलिए उन्होंने राजसमंद जो झील है उसका निर्माण करवाया। और साथ ही साथ इनके जो एक कवि थे रणछोड़ भट्ट, जिन्होंने संस्कृत भाषा में इनका एक लेख ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है राज प्रशस्ति, जिसको बाद में 25 शिलालेखों में खुदवाया गया, और ये एक देश का सबसे बड़ा शिलालेख भी माना जाता है। आज जो अपन ने पढ़ा है, इसको आपको अपनी कॉपी में ऐसे कैसे नोट भी करना है और इनको पढ़ना भी है।